साथियों, इस समय मैं जो है गांव की तरफ हूँ और गांव में छोटे छोटे बच्चे हैं साथियों, इस समय हम लोग जो है गांव में हैं और यहाँ बगल में एक बहुत पुराना जो है पीपल का वृक्ष है। लगभग ये 500-600 साल पुराना तो होगा ही होगा। ये देख सकते हैं, आपको कैमरे में थोड़ा पतला दिख रहा है लेकिन वास्तव में बहुत विशाल, बहुत भयानक और बहुत प्राचीन ये पीपल का वृक्ष है। और गांव के बाहर हम लोग यहाँ खड़े हैं। साथियों, गर्मी के मौसम में जब आपको गर्म लगता है तो आप पंखे की तलाश करते हैं और मध्य प्रदेश में पंखे को झाला बोलते हैं, मतलब झाला चलाओ। तो यहाँ देख सकते हैं एक महिला है जो पंखा जो है बना रही हैं, यहाँ पतला पतला बिन करके, और उसे पंखा बनाएंगी। मतलब गर्मी अगर हो तो कम से कम आदमी जो है अपने आप को उसके हवा के माध्यम से ठंडा कर सके। तो इस प्रकार भी गाँव में जिनके पास रोजी रोजगार नहीं है तो यहाँ लोग जो है इस प्रकार का भी काम करते हुए आपको नज़र आ जाएंगे। साथियों, हम लोग जो है गांव में आए हुए हैं और इधर पता लगाए हैं कि कहां कहां जो है गांव में फसल जो है जला हुआ है। तो अभी इस साइड में तो लोग नहीं बता पा रहे हैं लेकिन यहां से कुछ दूर एक गांव गिरगिटियां या फिर भक्सा करके है, वहां पर आग लगा है जिससे जो है हज़ारों एकड़ में फसलें जो है जल करके राख हो गई हैं। तो उधर भी मैं ले करके चलता हूँ, वहाँ के लोगों को की व्यथा आप लोगों को सुनाऊँगा, दिखाऊँगा। लेकिन आइए उससे पहले मैं दिखलाता हूँ यहाँ का ये गांव और गांव का ये मंजर। ये पुराने ज़माने का जो है बैलगाड़ी इधर आ रहा है और अभी भी हम लोग साथियों सिंधु घाटी सभ्यता के युग वाले ज़माने में हम लोग रहते हैं, देख सकते हैं। तो देख सकते हैं साथियों, यहाँ छप्पर डाल करके लोग रहते हैं और काफ़ी जो है गर्मी है और गर्मी में एक पतला सा जो है छप्पर है और उसके अंदर कुछ लोग रहते हैं। और आंधी जब आता है तो इन्होंने बताया कि इनका मकान जो है उड़ गया था और ये इनका अपना जो है छोटा सा बिल्डिंग है जो जिस पर छत तो नहीं लगा है लेकिन इसके अंदर जो है लोग रहते हैं। Oh
साथियों, ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे जो है यहाँ पर खेल रहे हैं बगल में। और जैसे ही मैंने कहा कि तुम लोगों का हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं, तो ऐसे भागे जैसे ब्रह्म पिशाच जो भूत भागता है, उसी तरह से ये लोग भाग रहे हैं। और गांव में चूँकि इस समय स्कूल बंद है, तो स्कूल बंद होने की वजह से ये बच्चे लोग जो है घर पर ही जो है खेल रहे हैं। और वहाँ देख सकते हैं एक लड़का जो है झटहा जिसको या डंडा बोल सकते हैं चला के आम जो है तोड़ने की कोशिश कर रहा है। कुछ भी नहीं, ये ब्लॉग वीडियो जो है शूट किया जाता है। तो साथियों, आज का ये ब्लॉग वीडियो हमारा आप लोगों को कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम एक लाइक और कमेंट तो आप कर ही दें, और इस अपने प्यारे से भाई को जो है सपोर्ट जरूर करें। साथियों, चूँकि बिना सपोर्ट के कोई भी व्यक्ति जो आगे नहीं जाता है, इसलिए आप मेरी मदद सब्सक्राइब करके कर सकते हैं। साथ ही साथ आप आल वाले जो नोटिफिकेशन है उसको, बेल आइकन का, उसको आप दबा दें ताकि कोई भी वीडियो मैं डालूं तो सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे और आप लोग उसको देख सकें। तो साथियों, इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपना ब्लॉग वीडियो आज ही समाप्त करता हूँ। आप सभी साथियों को आपके इस भाई के द्वारा दोबारा जो नमस्ते, सलाम, आदाब।